नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भाजपा द्वारा बसपा, निर्दलीय और कांग्रेसी विधायकों को बंधक बनाए जाने की बात को लेकर जनता दल यूनाइटेड के महासचिव विनोद मालवीय ने कहा कि भाजपा की तो रणनीति ही रही है कि किसी भी प्रकार से षड्यंत्र कर सरकार के विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन यह लोकतंत्र की हत्या है। वहीं उन्होंने भाजपा पर तंज कर कहा कि यह जो स्थिति पैदा हो रही है यह राज्यसभा को लेकर है। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिसबाह उल हसन ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपनी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। वह आज भी यह समझ रहे हैं कि उनकी सरकार बन सकती है। विधायकों के खरीद की वजह से जो है आज बीजेपी अपना जो 15 साल का राज भोग है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसी तरह से वो किसी तरह से भी शिवराज सिंह चौहान जी चाह रहे हैं कि मेरी पुनः वापसी हो जाए और फिर मैं अपनी सत्ता में दोबारा वापसी करके और मध्य प्रदेश को फिर जिस तरह 15 साल लूटा है और 5 साल जो 4 साल जो बचे हैं उसमें भी लूट सकें, इसी वजह से वो खड़ो खड़ो विधायकों की कर रहे हैं। भाजपा की तो नीति ही रही है, कर्नाटक में आपने देखा, गोवा में आपने देखा, वो किसी भी तरीके से सरकार को षड्यंत्र कर विधायकों खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाना चाहती है और ये लोकतंत्र की हत्या। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कहीं ना कहीं कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्थिति राज्यसभा चुनाव को लेकर जो परिस्थिति बन रही है, राज्यसभा में भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, तो ऊपर से इनको निर्देश दिया गया है, उसके कारण यह है किसी भी तरीके से राज्यसभा की दूसरी सीट को जीतने के लिए भाजपा का षड्यंत्र। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।